हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर लड़की आपकी इन चीज़ों को नोटिस करने लगे तो वो आपको चाहने लगी है। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे हैं और इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि आप लड़की की पसंद को बहुत अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि दोस्तों देखो, 40% लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं समझ आता कि लड़की उनके बारे में क्या सोचती है, उन्हें पसंद करती है कि नहीं करती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी इन द सेंस आप जो भी करते हो, लाइक जैसे कि आपके बातचीत करने का तरीका या आपके चलने का स्टाइल या फिर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हो, आपकी कोई भी हॉबीज़ हैं, कोई भी ऐसे जो थोड़े से अट्रैक्टिव काम हो, उन चीज़ों में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उन चीज़ों में अगर लड़की भी इंटरेस्ट दिखाती है, उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करती है, तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करने लगी। और ये बात आपको जो है उसकी सहेलियों से पता चले या फिर अपने दोस्तों से पता चले कि वो लड़की तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी या फिर तेरे बात करने के तरीके को बहुत ज़्यादा अच्छा बता रही थी, या वो ये बोल रही थी कि जब तुम बात करते हो, बात करते समय थोड़ी सी स्माइल आती है तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। इस तरीके की बातें अगर आपको किसी थर्ड पर्सन से या किसी और से सुनने को मिलती हैं या फिर लड़की बातों ही बातों में आपको ये जाहिर करती है, इस तरीके की बातें बोलती है, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आप में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगली चीज़ है कि अगर लड़की आपके बॉडी पार्ट्स मतलब कि आपकी आईज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करती है या फिर आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करती है या फिर इसी तरह से चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो आपको पसंद करने लगी है। लाइक जैसे कि अगर आप उससे बात कर रहे हो तो आपकी आँखों में ना देख कर अगर उसका पूरा ध्यान आपके लिप्स पर रहता है, आपकी लिप्स को रीड करने की कोशिश करती है, या वो आपसे दूर खड़ी है और जब आप किसी और से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे उसका पूरा ध्यान आप पर रहता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे, आपकी आईज़ को देखने के लिए वो पूरा फोकस करती है या आई कांटेक्ट करती है, तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं लड़की का इंटरेस्ट आप में ज़रूर है और वो इस तरीके से आपको बताना चाह रही है। इसके अलावा अगली चीज़ की बात करें कि अगर लड़की आपकी फीमेल फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करती है कि आप कितनी लड़कियों से कब कब बात करते हो, आपकी फीमेल फ्रेंड्स कितनी हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको दूसरों से पता चले, लाइक आपके दोस्तों से अगर वो पूछती है कि तुम कितनी कितनी लड़कियों से बात करते हो या फिर आपकी कितनी फीमेल फ्रेंड हैं, या बातों ही बातों में वो खुद आपसे पूछ ले आपकी कोई क्रश तो नहीं है या फिर आप किसी लड़की को पसंद तो नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लड़की के दिल में आपको लेकर फीलिंग ज़रूर है और इस तरीके से वो आपको बताना चाह रही है। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें कि अगर लड़की आपके देखने के तरीकों को बहुत ज़्यादा नोटिस करती है, लाइक आप लड़कियों को किस नज़र से देखते हो, उसे देखने का नज़रिया क्या है और लड़कियों को किस वे से देखते हो, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि जब वो आपसे बात कर रही है तो अगर आपके सामने कोई और लड़की गुजरती है तो आप अगर उसे देखते हो तो किस नज़र से देखते हो, तो इस चीज़ को भी मोस्टली लड़कियां नोटिस करती हैं। और ऐसा अगर वो लड़की कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी मन की बात को जानना चाहती है कि आपके दिल में उसको लेकर क्या है, क्योंकि लड़कियों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो किसी लड़के के देखने के तरीके से ही पता कर सकती हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचता है, उन्हें पसंद करता है कि नहीं करता है, किस वे से उनको देख रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अगर लड़की आपकी इन चीज़ों को नोटिस करने लगे तो वो आपको चाहने लगी है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।